Good evening students, this is lecture number 4 of chapter number 3. Today in this lecture we are going to discuss the exercise 3b, the division method to find out the square root. So let us start with the question in the exercise. The first question is find the square root of each of the following number by division method. The first part is 3 to 4 9. Question number 1, first part 3 to 49. Okay, in the division method you have to group up the number from the ones place to next one or right to left, and the number in grouping are 2. Okay, 2 then 2. If you have 5 number like 1 5 6 2 5, then we have to group like this 2 2, and the remaining is alone. Okay, so start with the first part. We have to make sure that the 32, which is between the 25 and 36, the square of 5 and square of 6 in between these two numbers, 32. So we have to take the lower number to divide this. But okay, like 5 5 is 25. This 5 5 is 25. Always remember, we have to take the lower number then as we can in divide, like 16 divided by 5, then we have to multiply like this. Okay, 5 3 is 15. So this must be lower than the given 2-digit number. Okay, so 32, the remaining one is 32 minus 6, this is 749. After that, we have to carry out both the term, both the digits, like 49, so this is 49. And we have to double it this number, like add both the number, and we have 10. Okay, 10. Then, what we have to take after that 10, we have to multiply a number like this. Here I can take directly 7 7 is 49. Okay, 7 1 is 7, so this is 749. 7 7 cross, so this is the square of 3 2 4 9 is the square of 57. Okay, I repeat the whole procedure. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, नंबर को दो, जैसे 4-digit नंबर है तो उसको दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है. दो दो के ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जैसे हमारे पास 32 आए, तो 32 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में, ये हमको ध्यान रखना है. जिन दोनों स्क्वायर के बीच में नंबर हो उसमें से लोअर नंबर, लाइक हम जैसे डिवीजन में करते हैं वैसे हमको नंबर लेना है. 5 से डिवाइड करो, 5 5 25 25 को यहाँ से माइनस करा, देन 7 करे. यहाँ पर हमको एक जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो 5 × 5 मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखना है, देन 5 + 5 ऐड यहाँ करना है. ओके, 5 + 5 ऐड यहाँ पर करना है, देन हमको दोनों के दोनों नंबर, दोनों के दोनों डिजिट नीचे रख देने. तो दिस इज 749. अब 749 के लिए हमको यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक ये ऐसा था 10, देन हमको अगर हम 1 से 1 लिखेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. If you can put 2 here, then we have to multiply by 2. Then 3 to 3. Okay, अब हमको ऐसा नंबर चेक करना है जिससे हम इस नंबर तक पहुंच सकें. लाइक अगर हमने 105 करा तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आंसर इज 505. अगर 106 करेंगे सो आंसर आएगा 636. फिर हमने 107 × 7 करा तो आंसर आया 749. सबको ये ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट यहाँ पर 9 है और 9 सिर्फ 2 के केस में आएगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट. ओके, 9 इज द वन डिजिट इन 3 एंड सेकंड वन इज 7. 3 3 is 9 एंड 7 7 is 49. दो ही नंबर हमारे पास होंगे, हमको डायरेक्टली सोचना है या तो 3 और या तो 7. सो 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा आंसर आएगा 309. सो वी हैव टू पुट हियर 7. सो 7 7 is 49. सो हमारा जो स्क्वायर होगा 57 हो जाएगा. वी टेक मोर क्वेश्चन सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. ओके,
सेकंड क्वेश्चन इसी को लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। ओके सो फर्स्ट अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से ग्रुप वाइज डिवाइड करा, टू टू देन रिमेनिंग इज वन। सो वन, अब वन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे वन आगे नंबर, अब वन और फोर के बीच में वन का ही स्क्वायर है तो वन को डायरेक्टली पुट कर दो, वन वन जा वन और यहाँ पे वन पुट कर देंगे सेम जैसे फाइव का। देन वन प्लस वन टू ऐड कर देंगे यहाँ पे क्रॉस एंड 56 डायरेक्टली पुट कर। ओके इसके बाद इंटरेस्टिंग फिर क्या है, मेन चीज फिर से ये सेवन। देन हमको अगर यहाँ पे टू पुट करेंगे देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय टू एंड 22 इंटू टू इज 44। अगर हम थ्री पुट करते हैं 23 इंटू थ्री दैट इज 69, तो 69 इज मोर देन 56, सो वी कैन नॉट पुट दिस वे। ओके सो 22 इंटू टू एक्चुअली दिस विल बी नॉट एड, सो 44 हो जाएगा, 44 माइनस करेंगे 12 25। अब क्योंकि ये दोनों डिजिट सीधे डायरेक्टली काम कर, आपको ये करना नहीं, ये बच्चों वाले काम। ओके देन 2 प्लस 2 अगेन वी हैव टू ऐड अगेन 2 एंड 4 24। अगेन अब हमको क्या करना है, 2 4 लास्ट डिजिट 45, सो 5 से कर सकते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, 5 2 जा 10 एंड 2 12। ओके 1225 तो एक्चुअली ये डायरेक्टली नंबर आ गया। सो इसके बाद 1 के बाद कितना आ जाएगा 2, देन वी हैव 5 सॉरी मल्टीप्लाई तो लिखना ही नहीं है, 5 प्लस 5 देन 1 2 2 5 एंड क्रॉस। सो इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 125। आई थिंक अब आपको थोड़ा मेथड समझ में आ गया। ओके सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ द 125। वी टेक मोर क्वेश्चन ऑन दैट। ओके फोर्थ पार्ट 75625, 75625 फोर्थ पार्ट 75625। ओके इस नंबर को लेते हैं, देन अगेन यू हैव टू ग्रुप अप लाइक दिस। अगेन सेवन किसके बीच में आता है, 9 and 4, 4 2 square 9 3 square, तो हम छोटा लोग ले लेंगे 2 2 3 जा 2 2 जा 4। अब हमको कैरी 3 बचाया। ओके तो 56 डायरेक्टली दोनों डिजिट पुट हो जाएंगे एंड यहाँ पर 2 2 प्लस 2 फर्स्ट हमको ऐड करना है। ओके देन अगेन हमको ये सोचना है कि किस डिजिट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि अगर हम 1 लेंगे तो 41 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो आंसर 41 आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो डायरेक्टली लेते हैं 7 तक पहुँच जाते हैं, 47 इंटू 7। ओके सो इसका आंसर आएगा 329, 47 इंटू 7 329, इससे छोटी वैल्यू है, इससे आगे भी फर्दर चेक कर सकते हैं, चेक करना पड़ेगा, 8 8 64। ओके एंड दिस इज 384, सो हम ये वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि इससे भी घर वैल्यू हमने वैल्यू ली 7, तो यहाँ पुट करेंगे 7 into 7, 47 into 7 329, यहाँ पर 7 पुट करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ओके सो यहाँ पे कितना 27। अब 25 डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यू, नाउ 47 प्लस 7 दैट इज 54, फिर से ऐड करना है जैसे हमने यहाँ पे ऐड करा था, 22 प्लस 2 24, 47 प्लस 7 54, नाउ 5 है तो ऑलमोस्ट हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको समझना है कि हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। 5 5 जो 25 5 4 जो 20। ओके 5 4 जो 20 एंड 22 टू कैरी 5 5 जो 25 एंड 25 2 27, सो 2 7 2 5 यहाँ पर 5 यहाँ भी 5 एंड यहाँ भी, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 275। ओके सो 275 स्क्वायर वी कैन राइट इट एज 75625। सो ओके नाउ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी विल टेक सिक्स्थ पार्ट 9548100, 9548100,
9548100 आई थिंक दिस इज द नंबर. यस यस सर. सिक्स पार्ट है. अगेन ग्रुपिंग करेंगे दो दो इस टाइप से. नाइन नाइन अगेन थ्री 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 जब नाइन डायरेक्टली ओके देन थ्री प्लस थ्री सिक्स 54 ऐड करते हैं. अब अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट ओके. क्यों? अगर हम यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई करते हैं वन तो ये आ जाएगा 61 जो कि इससे बड़ी वैल्यू है. इट मीन्स ये इस टाइप का डिवीजन हो गया. लाइक ऐसे हमको एक नंबर दे रखा है और हमको मल्टीप्लाई करना है. फाइव वन जो फाइव देन वी हैव वन वन जीरो एंड फाइव टू जो टेन ओके. सो ऐसा नंबर जहाँ पर हमको जीरो से मल्टीप्लाई कम्प्लीटली ना हो लाइक जैसे दो जीरो आते हैं. सो थ्री प्लस थ्री सिक्स ओके. जब हम सिक्स पुट करेंगे इसके बाद वन लिखेंगे तो 61 हो जाएगा. सो यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते. जीरो यहाँ भी जीरो. हमारा कैरी डायरेक्ट क्या आएगा नेक्स्ट टर्म दैट इज 81. अब हम इस स्टेप को स्किप कर चुके हैं नेक्स्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं ओके. सिक्स जीरो अब हमको सोचना है. सिक्स जीरो सेवन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स जीरो सेवन फोर टू फोर नाइन ओके. ये बड़ी वैल्यू है तो सिक्स जीरो एट से करेंगे. तो अगर एट से मल्टीप्लाई करेंगे इफ ये मल्टीप्लाई एट तो फोर एट सिक्स फोर अगेन मल्टीप्लाई बाई नाइन. बड़ी वैल्यू सोचनी क्योंकि इसके लमसम जाएगा वैल्यू ओके. देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 9 9 81 9 6 50. परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. 9 प्लस 9 अगेन हियर क्रॉस एंड डबल जीरो पुट अप डबल जीरो. यहां पर हमको 9 ऐड करना है ओके. देन लास्ट टू डिजिट अगर जीरो है तो दिस इज वी हैव टू ऐड वन मोर जीरो ओके. बिकॉज अगर हम स्क्वायर निकालते हैं लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 × 20 2 × 2 4 एंड 4 00 इन डबल जीरो ओके. लाइक हमको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट 400 का तो कैसे करेंगे. 400 4 की ग्रुपिंग 2 × 4 ओके. 2 4 क्रॉस 00 2 × 4 यहाँ पर 20 तो हमको एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ओके. सिमिलरली यहाँ पर हमको 3090 पुट करना पड़ेगा. दो स्टेप का क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन ओके. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. एंड टेंथ पार्ट है. टेंथ पार्ट इन मिक्स क्वेश्चन 9 4 1 8 5 ओके. इन दिस पार्ट यू हैव टू फर्स्ट मेक इट इन अप इन प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई दिस 9 6 50 4 68 एंड देन 69 कैरी 9 5 45 एंड 45 प्लस 6 That is 51 plus 4185 upon 5776. Now we have to add 6 8 9 okay 8 16 9 1 10 11 4 1 6 9 5 upon 5776 okay. Now we have to find out the square root of both the number इंडिविजुअली ओके. 5 6 1 6 9 ग्रुप 2 4 1 6 1 2 4 ओके 161 टू मल्टीप्लाई बाई 3 क्योंकि जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मैंने मल्टीप्लाई बाई 4 दिस इज 176 मोर देन 161 ओके. 4 3 4 3 प्लस 3 6 ओके 161. सो this is 129 okay. 129 we have to subtract this so this 32
2 3 7 2 3 7. Now we take 5 7 7 6. 5 7 7 6. Group of both the number, both the digits. Sorry. Now take 57. So 57 we can take 7 7 7 49. Carry. For 57 is 8 8 76. 7 plus 7 is 14. Okay. Now 6. The end digit is 6. So we have to multiply by 6. 146 into 6, 6 is 36, and 46 is 84, and 84 plus 3 is 87. So we can write it as 237 upon 76 square. Okay, so this is the answer. Okay, thank you so much. In the upcoming lecture, we will discuss the more question. Thank you.